खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन लोगों को घर में रहने की अपील कर रही है, वहीं लोगों में जागरूकता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। बरकट्ठा बाजार, जीटी रोड आदि जगहों पर लॉकडाउन का असर कुछ कुछ देखने को मिल रहा है, परंतु गांव देहात में लोग कोरोना जैसे भयावह बीमारी के प्रति अनभिज्ञता जता रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जमावड़ा देखा जा रहा है, वहीं मैदान में बच्चों क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को देखते ही लोग घरों में घुस जाते हैं और प्रशासन की गाड़ी जाते ही घरों से बाहर निकल आते हैं। ये आप देख रहे हैं, बाहर से आकर के यहाँ पर चूड़ी बेचने का काम कर रहे थे और इस लॉकडाउन के चलते यहाँ पर रुके हुए हैं। इनके लिए प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था कराई है खाने पीने की। आप कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश के। कौन से जिला से आए हैं? करीमनगर। करीमनगर जिला से आए हैं। यहाँ आप लोग क्या काम करते हैं, क्या धंधा करते हैं? बाहर से आकर के यहाँ पर दवा बेचने का काम करते हैं। जड़ी बूटी मधुली वगैरह बेचने का काम करते हैं। अभी आप लोग खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? हम लोग कड़वा चावल चाहिए, हम लोग कड़वे चावल खाएंगे। कुछ तेल नमक और जो पैसा है वो चाहिए। हम लोग अभी 8 दिन से हम लोग खाना भी नहीं बनाए। अभी आप लोग के पास खाने पीने के लिए क्या सामान है? अभी हम लोग कुछ तेल नहीं है, मसाला नहीं है, टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग प्याज नहीं है, ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो रहता था, वो लोग थोड़ा थोड़ा चावल देता था गाँव से, मतलब दुकान से भी चावल देता था। अभी हम लोग को कोई जाम पैसा भी नहीं है, तो कैसे होगा? अभी प्रशासन ने यहाँ पर आ करके आप लोग को लाया है, यहाँ बैठाया है, तो क्या आश्वासन दिया आपको खाने पीने के लिए? क्या बोला है कि आप लोग कड़वा चावल देंगे, आप लोग जो जो घटेगा वो सब देंगे करके बोला है। चलिए, लॉकडाउन का नियम का पालन आप लोग भी कीजिए, भीड़ नहीं लगाइए और अपना दूर दूर से रहिए। मास्क का उपयोग आप मास्क पहन के धन्यवाद। हैं बरकट्ठा क्षेत्र के डुमरिया घाट पे, यहाँ पर लोग लॉकडाउन का अनुपालन ना के बराबर कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा भीड़ है। प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने के बावजूद भी यहाँ पर लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और ये कोरोना वायरस जैसे लॉकडाउन और धारा 144 का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर दूर दराज से आए हुए लोगों को प्रशासन ने बचने की व्यवस्था कराई है, साथ ही क्षेत्र के मुखिया उनसे पास। जबकि प्रशासन अधिकारियों के द्वारा हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, परंतु लोगों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। SDPO मनीष कुमार, SDO राजेश्वर नाथ, आलोक कुमार, पुलिस निरीक्षक अंजनी कुमार, BDO कृति बाला लकड़ा जैसे अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लोगों में मौत के प्रति जरा भी खौफ नहीं दिख रहा है। अगर समय रहते लोग जागरूक नहीं हुए तो स्थिति काफी भयावह हो सकती है। बरकट्ठा से ईश्वर यादव की रिपोर्ट।